स्वागत है आपको मेरे चैनल रेखा माही टिप्स में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी फर्स्ट टाइम कोई भी स्कूटी चलाने के लिए सीखती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है। तो आज मैं आपके उसी डर को ख़त्म करूँगी। जब भी आप स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो बार बार क्यों गिरते हो? तो कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ी रहती है, तभी फ्रेंड्स आप गिरते हो। तो मेरे पास में ढेर दिन से कमेंट्स आ रही थी कि मैम, मैं स्कूटी चलाने के लिए सीख रही हूँ तो मैं एक साइड हो जा रही हूँ और फिर गिर जा रही हूँ, या जब भी मैं स्कूटी को रोकती हूँ तो अचानक मैं गिर जा रही हूँ, या पैरों को जब भी मैं ऊपर कर रही हूँ तो मेरा स्कूटी का डिसबैलेंस हो जा रहा, मैं स्कूटी को संभाल नहीं सकती, मैं अचानक से गिर जा रही हूँ, या ब्रेकर को देखती हूँ तो मैं गिर जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आपके साथ में मैं वो डिस्कस करूँगी कि क्यों आप अचानक से गिर जाते हो। तो आज मैं इसी पे वीडियो बनाने वाली हूँ कि जब भी आप स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो आप स्कूटी का बैलेंस को अच्छी तरह क्यों नहीं संभाल पाते हो, आपसे क्या मिस्टेक होती है कि आप स्कूटी को लेके गिर जाते हो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि जब आप स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो कितना आसान हो जाता है स्कूटी चलाना सीखना, बिना डरे, बिना डर के, बिना गिरे, इजीली और परफेक्ट तरीके से कैसे आप स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो। आज का वीडियो में मैं बस वही बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लेना, पहली बार चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब के बगल में जो छोटी सी प्यारी सी रेड वाली घंटी है उस पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि मेरा जो भी वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको सीधे मिल पाए। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक सबसे पहली बात कि आप जब भी आप स्कूटी को स्टैंड से हटाओ तो अचानक ना हटाए, इन सभी बातों को ध्यान में रखें। आज मैं जो जो टिप्स को बता रही हूँ आप उन टिप्स को फॉलो करें, ताकि आप इजीली और परफेक्ट तरीके से और बिना गिरे स्कूटी चलाने के लिए सीख सकते हो। तो सबसे पहले ये देखिए, अभी तो आपको स्कूटी का बैलेंस बनाने के लिए बिल्कुल नहीं आता है, तो सबसे पहले करना क्या है कि ये देखिए, आपको स्टैंड को बिल्कुल नहीं हटाना है। ये देखिए, ये वन साइड का स्टैंड है, तो स्टैंड को आप बिल्कुल नहीं हटाएं। आप इजीली इस तरीके से आप स्कूटी में बैठो, एक पैर को आप ज़मीन पर टिका के ही रखो, इजीली बैठो, और इस तरह से आप इस तरह से हैंडल को सीधा कर लेना। यहाँ पे देखिए, मैंने हैंडल को कैसे सीधा किया, हैंडल को सीधा करें और एक पैर से इस तरह से आप हटाएं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका अच्छी तरह से आप स्कूटी का बैलेंस बना लोगे, थोड़ा सा आप आगे करोगे, थोड़ा सा पीछे करोगे, तो ऐसे जब करने लगोगे तो ये देखिए, ये पीछे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, पैरों को जब थोड़ा सा हल्का सही से यूज करोगे तो इजीली आप परफेक्ट तरीके से आप इस तरह से आप इसे ये कर लोगे। तो बस इस तरह से आपको थोड़ा सा करना है, स्कूटी का बैलेंस को बनाने के लिए आपको सीखना है। तो बस मैं यही बता रही हूँ कि स्कूटी का बैलेंस आपको मेन संभालना होता है। तो बस 2 से 4 दिन आप इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, आप इजीली और परफेक्ट तरीके से बिना किसी के हेल्प का आप स्कूटी चलाने के लिए सीखोगे। मैं यहाँ बिल्कुल आपको बिल्कुल डरना नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा सा आगे करें, फिर थोड़ा सा पीछे करें, थोड़ा सा आगे करें, फिर थोड़ा सा पीछे करें, तो बस इस तरह से आप करें। और एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी हाइट अगर कम है, मतलब आपकी हाइट शॉर्ट है, तो इस तरीके से पैर में अगर थोड़ा सा भी लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा भी पैर आपका ज़मीन पे जाना चाहिए, और नहीं होता है तो आप ऊंची हील या ऊंची सैंडल पहनो। ऊंची जूती मार्केट में आती है जो आपको इजीली मिल जाएगा, या जूते भी आती है 4 से 5 इंच वाली जूती या जूते का यूज करो। तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, आपका पैर अगर हल्का सा भी ज़मीन में इस तरीके से टच करता है तो आप स्कूटी का परफेक्ट बैलेंस बना लोगे। और 1 से 2 दिन बस आप इस तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए सीखो, तो इजीली आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत ही इजीली
आप स्कूटी का बैलेंस बनाने के लिए सीख जाओगे। इसके बाद जब आप स्कूटी चलाने के लिए सीखोगे ना, तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आपको एक से दो दिन तक इसी तरह से आप स्कूटी को धक्का मारो, इस तरह से आगे करो फिर पीछे करो, बस इस तरीके से आप पैर को ये करके धक्का आपको मारना है। तो फ्रेंड्स अब होता है कि आप स्कूटी को कैसे स्टार्ट करोगे। तो अभी तो आपके अंदर डर है, ये मैं मानती हूँ। तो ये देखिए कुछ करना नहीं है, एक हाथ को आप इस तरह से, आपका जो ये हो गया ब्रेक, तो ब्रेक के ऊपर में हाथ को दबा के रखें। जब आप स्कूटी को अचानक स्टार्ट करते हो तो उस समय क्या होता है कि गिरने का डर होता है। तो ये देखिए एक हाथ से ब्रेक को दबा के रखिए, दूसरा हाथ को एक्सीलेटर के ऊपर इस तरीके से रखना, इस तरीके से मोड़ के रखना, पांचों उंगली इस तरीके से होना चाहिए और इसे हमें मोड़ के रखना है। तो चलिए अब चाबी को मैं लगाती हूँ और एक हाथ ब्रेक के ऊपर है, ये मैंने आपको बताया, तो चाबी को दे दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए लड़कियाँ या लड़के अक्सर ये गलती करते हैं कि चाबी को तो दे दिया लेकिन जब एक्सीलेटर कंट्रोल तो अभी आपका नहीं है, तो हल्का सा एक्सीलेटर को लेके जब ब्रेक को दबा के आप हल्का सा सेल को दबाते तो स्कूटी स्टार्ट हो गई है। तो ये देखिए स्कूटी हमारी स्टार्ट हो गई है। तो अब करना क्या है कि यहाँ पर ब्रेक के ऊपर में आप हाथ को हल्का सा रखें, ध्यान में दें ब्रेक के ऊपर में हाथ को आपको हल्का सा रखना है और इसे पूरा नहीं छोड़ना है। आप एक्सीलेटर बिल्कुल हल्का लो यहाँ पे, जब आप ये देखिए मैं ब्रेक को जब छोड़ रही हूँ और एक्सीलेटर जब तेज कर दूंगी तो इस समय क्या होगा कि गिरने का डर होगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए स्कूटी को मैंने स्टार्ट कर लिया। तो यहाँ पे करिएगा क्या कि स्कूटी को स्टार्ट करके अचानक ब्रेक को ना दबाएं, और ब्रेक को जब दबाते हो तो एक्सीलेटर को बिल्कुल स्लो करके ब्रेक को दबाएं। जब आप अचानक ब्रेक को दबाते हो तो इस तरह सेम मोमेंट आता है और आप गिरते गिरते बचते हो। तो पहले एक्सीलेटर को कंट्रोल करें, एक्सीलेटर को बिल्कुल स्लो लें, एक्सीलेटर को बिल्कुल स्लो करते हुए ब्रेक को दबाएं। जब अचानक ब्रेक ले लोगे और एक्सीलेटर तेज़ रहेगा तो आप यहाँ गिरते गिरते बचोगे। तो इन सभी को बातों को ध्यान में रखना है। तो बैलेंस आपको बस इसी तरह से बनाना है, एक्सीलेटर बिल्कुल स्लो लेते हुए, दोनों पैर को ज़मीन पे करते हुए, और जब आप स्कूटी चलाने के लिए सीखते हो तो हैंडल के ऊपर में, मतलब ब्रेक के ऊपर में हल्की हाथों से ब्रेक को दबा के रखें, ब्रेक को तेज़ नहीं दबाना है, हल्की हाथों से ब्रेक को दबा के रखें और धीरे धीरे एक्सीलेटर ले, एक कदम आगे चले फिर रुके, एक कदम आगे चले फिर रुके। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी आपको स्कूटी जहाँ रोकना है ब्रेक आप अचानक ना लें, ब्रेक जब आप अचानक लोगे तो आप गिर जाओगे, आपकी स्कूटी भी गिरेगी। तो इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें स्कूटी ड्राइव करने के लिए सीखना है। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखें, ब्रेक को अचानक नहीं दबाएं, एक्सीलेटर को बिल्कुल स्लो करके ब्रेक ले, नहीं तो स्कूटी आपकी गिरेगी। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको पैर ऊपर धीरे धीरे कैसे करना। तो पैर को भी आपको अचानक ऊपर नहीं करना, क्योंकि जब आपका स्कूटी का बैलेंस नहीं बनेगा और आप अचानक पैरों को ऊपर कर लेते हो तो आप लड़खड़ा के ज़मीन पे गिर पड़ोगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आप पहले स्कूटी का बैलेंस संभालें, हैंडल को सीधा रखें और एक्सीलेटर को कंट्रोल करने के लिए सीखें। अगर आपकी हाइट कम है तो आप इस तरह से कुछ सड़क के नीचे की ओर चले जाओगे, तो फिर आपको उठना है और फिर पीछे की ओर खिसक के आना है और धीरे धीरे पहले पैरों का बैलेंस बनाएं, स्कूटी का बैलेंस बनाएं और धीरे धीरे पैरों को ऊपर करना है, अचानक तो बिल्कुल नहीं करना है। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखना है। और तीसरा फ्रेंड ये होता है कि जब मोड़ आती है तो लड़कियां डर से गिर जाती है, स्कूटी गिर जाती है, क्योंकि सामने रोड में जब वो गाड़ी देखती है तो अचानक से गिर जाती है। तो यहाँ पे डरना बिल्कुल नहीं है, आप स्कूटी को बिल्कुल स्लो कर लें और दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ अच्छी तरह से देख के दोनों पैर को नीचे करके धीरे धीरे टर्न ले, आपको बस इसी सभी बातों को ध्यान में रखें। और चौथा होता है कि ब्रेकर को देख के आप डरने लगते हो और गिर पड़ते हो, तो ब्रेकर को देखकर बिल्कुल डरना नहीं है। जब आप स्कूटी चला रहे हो तो स्कूटी का तो बैलेंस बन गया है, तो ब्रेकर आते ही आपको करना क्या है, स्कूटी को आप बिल्कुल स्लो कर लो, एक्सीलेटर स्लो कर लो और दोनों पैर को ज़मीन पे करते हुए
धीरे से इस तरह से ब्रेकर को पार करो, यहाँ पे एक्सीलेटर स्लो ही रखो और ब्रेकर को पार करते ही एक्सीलेटर हल्का सा तेज करते हुए आप चल पड़ो। तो बस इन्हीं सभी बातों को अगर ध्यान में रखते हो तो आप बिल्कुल नहीं गिरोगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में आपने देखा ना, मैंने कितना इजी तरीके से और आसान तरीके से आपको स्कूटी का बैलेंस बनाने के लिए बताया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप स्कूटी का बैलेंस बनाने के लिए सीख जाते हो तो 80% स्कूटी चलाने के लिए सीख जाते हो। तो थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान में रखे, बिना गिरे और बिना डर का स्कूटी चलाने के लिए आप सीखो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर लेना, पहली बार चैनल में आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।